खबर रायपुर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू। छत्तीसगढ़ में आज 16 नए मरीज स्वाइन फ्लू के मिले, रायपुर बना स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट। 16 में से 14 मरीज की राजधानी रायपुर से ही मिले हैं। अब 18 जिलों तक पहुंच गया है स्वाइन फ्लू। अब तक प्रदेश में 9 मरीजों की स्वाइन फ्लू से जान जा चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में आज मिले 16 नए मरीज, रायपुर बना स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट। छत्तीसगढ़ में तेजी से स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्या, अब इस पूरे मामले में शासन क्या कदम उठा रहा है और स्वास्थ्य महकमा कैसे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है? देखिए, प्रदेश में जो है बीमारी का ट्रिपल अटैक जारी है। एक और कोरोना का कहर है तो दूसरे और डेंगू का, तो तीसरा जो है स्वाइन फ्लू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। अब जो है स्वाइन फ्लू जो है राजधानी से निकलकर अब वो 18 जिलों में पहुंच गया, और अगर आज की स्थिति में बात करें तो 16 मरीज मिले हैं जिसमें से 14 मरीज राजधानी रायपुर से मिले हैं, तो वहीं एक रायगढ़ से, तो दूसरे जो मरीज है सूरजपुर से मिले हैं। तो इस तरह का अगर हम बात करें तो जो है स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या 161 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 80 है। तो देखिए, जो जिस तरह से ये स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं, बिल्कुल ये घातक साबित हो सकता है। एक एक करके जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और राजधानी की स्थिति जो है अगर हम बात करें तो इन दोनों प्रदेश का हॉट स्पॉट बना हुआ है, और 54 एक्टिव मरीज राजधानी रायपुर में है। और इसको लेकर शासन प्रशासन का दावा है कि हर जिलों में जो है स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए व्यवस्था की गई है, जांच की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां मरने वाली की संख्या भी यहां पे चिंताजनक है। अब तक 9 मरीजों की जो है यहां पे मौत हो चुकी है। हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा जा रहा था कि मरने वाले मरीजों को कोमॉर्बिडिटी था, यानी कि अन्य गंभीर रोगों से वो ग्रसित थे। तो इस तरह जो है स्वाइन फ्लू का कहर जारी है, अगर इसको समय पे नहीं रोका गया तो कोरोना जैसे हालात बन सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना जैसे हालात भी बन सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है।